तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 54 साल पहले एक कत्ल होता है, उस दौरान में पुलिस की टीम लगातार उस कत्ल की जांच करती है, तफ्तीश करती है, जितने भी संदिग्ध सस्पेक्टेड थे उन सबसे पूछताछ होती है, क्राइम सीन से सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, लोगों से पूछताछ होती है, पुलिस की कई कई टीमें इस केस में लगा दी जाती हैं। लेकिन हफ्ता महीन सा महीना साल बरसों बीत जाते हैं लेकिन कातिल का सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे पुलिस भी उदासीन हो जाती है और लगता है कि अब इतने बरस बीत गए, कहाँ कातिल को ढूंढना। लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है और वो ये कि मौका या वारदात से जितने भी सबूत या एविडेंस कलेक्ट किए गए थे वो बाकायदा पुलिस की निगरानी में एक स्टोर रूम में रखा होता है। कातिल का सुराग नहीं मिलता, 54 साल बीत जाते हैं। 54 साल जब होने वाले होते हैं उससे एक दो साल पहले, यानी जब 52 साल हो गए, तो उस केस को कुछ फॉरेंसिक टीम और उस वक्त के कुछ डिटेक्टिव पुराने केसों को खंगालते हैं, उस पर नज़र डालते हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे केसेस हैं जो अभी भी हम लोगों के लिए एक बदनुमा दाग हैं, जिनको हम सुलझा नहीं सके, जिसमें इंसाफ नहीं दिला सके। तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, उसमें 54 साल पुराना यह कत्ल का केस भी आता है। केस के ऊपर फिर से नज़र डाली जाती है, डिटेक्टिव की टीम लगाई जाती है और कहा जाता है कि 54 साल पुराने केस को अब सुलझाने की बारी है। क्योंकि एक चीज़ मौजूद थी और वो थी क्राइम सीन से बरामद तमाम चीज़ें, और उन तमाम चीज़ों में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, एक सिगरेट का बट, सिगरेट पीने के बाद किसी ने फेंका था और वो लाश के पास से बरामद हुई थी, तो वो भी था। कहा गया कि चलो दोबारा जांच करते हैं और दोबारा जांच शुरू हुई। और अभी 2 दिन पहले, यानी कि आज 23 है, 21 फरवरी की बात है, 21 फरवरी को वर्मोंट पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और 54 साल पुराने कत्ल के इस केस को सुलझा लेने का दावा करती है। और जिस लड़की का कत्ल हुआ था, बाकायदा उसकी सिस्टर को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बुलाया जाता है और उनके सामने वो सारे सबूत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और साथ ही दिखाई जाती है कातिल की तस्वीर। कातिल का नाम मिल चुका था, कातिल के खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके थे, लेकिन कातिल को पुलिस अब पकड़ नहीं सकती थी। पूरी कहानी शुरू होती 1971 में, 1971 की बात है। एक लड़की 24 साल की, जिसका नाम था रीटा करण, रीटा करण एक अच्छे परिवार से थी, 1971 में वो अपने घर अपने माँ बाप को छोड़कर वर्मोंट पहुँचती है। वहाँ पे चूँकि वो पहले कॉलेज कर चुकी थी, वहाँ आने के बाद अब वो एक सेकंड ग्रेड की टीचर थी, एक वर्मोंट के एक स्कूल में उसने नौकरी शुरू कर दी। लेकिन इस नौकरी के साथ साथ वो अपनी आगे की भी पढ़ाई करती, साथ ही अपने खर्च के लिए पार्ट टाइम एक मोटेल में काम भी करती थी। तो माँ बाप का घर छोड़कर एक अनजाने शहर में वो पहुँचती है और फिर अपनी नौकरी करती है, पढ़ाई करती है, साथ में सेकंड ग्रेड की टीचर है, उम्र सिर्फ 24 साल है। और वहीं उसी शहर में, फिर ये अमेरिका का एक स्टेट है वर्मोंट, उसी शहर में उसकी राजधानी में वो एक अपार्टमेंट में किराए पर रहने लगती है। जिस अपार्टमेंट में वो रहती है उसमें 3 और लड़कियाँ थीं, तीनों उसके लिए अनजान और वो तीनों के लिए अनजान। तो वहीं एक अपार्टमेंट में ये लोग रहा करते थे। उस वक्त का माहौल बहुत अच्छा था, क्राइम और ये सारी चीज़ें से लोगों का दूर दूर का वास्ता नहीं था, लोग बेफिक्र थे, यहाँ तक कि दरवाज़ा खोलकर अपना कहीं भी आ जा सकते थे। तो रीटा करण भी इन चीज़ों को जानती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी हेक्टिक थी, पढ़ाई फिर पढ़ाना फिर पार्ट टाइम मोटेल में काम करना, तो उसे वक्त नहीं मिलता था, अपार्टमेंट सिर्फ एक तरह से वो सोती थी आकर। 19 जुलाई 1971 की रात आती है, रीटा करण की तीनों जो अपार्टमेंट की पार्टनर थी, रूम पार्टनर, वो कहीं गई हुई थी, तीनों अलग अलग लेट नाइट पार्टीज या कुछ होगा। रीटा करण अकेली थी। देर रात उसकी पहली पार्टनर जब लौटती है तो वो चीख पड़ती है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, रीटा करण की लाश फर्श पर थी, खून बह रहा था, गले में कुछ फंदे जैसे चीज़ थी। वो भाग कर निकलती है, चीखती है,
बाकी लोग आते हैं, पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। रीटा करण की बड़ी बेदर्दी से हत्या की गई थी, उसका गला घोटा गया था, उसको ये साथ सेक्सुअल असॉल्ट का भी केस था, ऐसा लगता था उसका रेप भी हुआ है, फिर उसके बाद कत्ल किया गया है, कातिल ने बहुत बुरी तरह मारा है। अब इसके बाद डिटेक्टिव एंड तमाम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, कमरे से हर चीज़ को उठाया जाता है एविडेंस के तौर पर, लोगों से पूछताछ की जाती है। 71 की बात है इसलिए सीसीटीवी कैमरा वगैरह था नहीं, पुलिस तमाम अपार्टमेंट आखिरी बार कौन मिला कहाँ मिला जो रीटा के दोस्त थे उनसे पूछताछ होती है। इन तमाम पूछताछ के बाद पुलिस 13 ऐसे लोगों को ज़ीरो इन करती है जिनके ऊपर कुछ शक था। शक की वजह यह थी कि वो लोग थे जिनसे आखिरी बार रीटा करण की मुलाकात हुई या कहीं ना कहीं वो अपार्टमेंट या फिर रीटा के साथ आखिरी बार देखे गए थे। तो क्राइम में अक्सर ये होता है कि जो क्राइम से पहले आखिरी बार या आखिरी कॉल आखिरी बातचीत वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में होता है। तो उस वक्त भी यही सारी चीज़ें थी, हालांकि उस वक्त ना मोबाइल था ना फॉरेंसिक साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी। तो तमाम लोगों से पूछताछ हुई, 13 लोगों को पुलिस ने ज़ीरो इन किया, उन 13 से अलग अलग पूछताछ की गई, लेकिन उन 13 के बयानों से ये पता चला कि जब कत्ल हुआ तब तब उनकी मौजूदगी कहीं और थी और उसकी गवाही देने के लिए तमाम लोग थे। तो एक वक्त में एक शख्स दो जगह तो हो नहीं सकता, अब या तो ये तो बहुत मुमकिन है कि जो गवाह है वो झूठ बोल रहा हो। लेकिन पुलिस के पास अपनी जितनी मशीनरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए कातिल तक पहुँचने, कत्ल की वजह जानने की पूरी कोशिश की। अब कत्ल की वजह जानने की कोशिश की लेकिन एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि रेप भी हुआ है, तो इसका मतलब है कि मोटिव रेप ही हो, लेकिन रेप जिसने किया वो कोई जानकार हो। तो पुलिस इस तरीके से इस केस को सुलझाने की कोशिश करती रही, तमाम सबूत उठा चुकी थी। वहीं लाश के पास एक सिगरेट का बट पड़ा मिला था, अब पता चला कि रीटा सिगरेट नहीं पीती, ये भी पता चला कि उसके कमरे में जो 3 लड़कियां रहती हैं और उनमें से कोई भी स्मोक नहीं करता, तो पुलिस को लगा कि ये सिगरेट का बट जो है ये कातिल का हो सकता है। वो रीटा के कपड़े ये सारी चीज़ें सहेज कर रख ली गई ताकि केस में आगे काम आ सके। कई दिन बीत गए, कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद रीटा को उसके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से दफना दिया गया। पुलिस केस पर काम करती रही, धीरे धीरे वक्त बीता, कई डिटेक्टिव आए कई चले गए, लेकिन ये केस सॉल्व नहीं हुआ। और उस वक्त इस केस का जो खौफ था ये हुआ कि इस शहर में जहाँ पे रीटा रहा करती थी लोग बड़े बेखौफ रहते थे, दरवाज़ा अमूमन खोल कर आते और जाते थे क्योंकि इस तरह के क्राइम होते नहीं थे, लेकिन रीटा के इस खौफनाक कत्ल और रेप के केस ने लोगों को डरा दिया और बदलाव ये आया कि लोग अब डरने लगे, अपने दरवाजे को न सिर्फ बंद करते कई बार जांचते चेक करते कि वो बंद है कि नहीं। तो शहर में एक दहशत का माहौल एक कत्ल ने पैदा कर दिया था। पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो कातिल को पकड़े ताकि लोगों के दिलों से खौफ दूर कर सके, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कातिल हाथ नहीं आ रहा था। एक एक करके जितने सस्पेक्ट थे वो भी पुलिस उनको क्लीन चिट देती गई। साल बीतता गया, 71, 72, 73, करीब 50 साल बीत गए। 50 सालों में रीटा मर्डर केस को पुलिस सुलझा नहीं पाई। 50 साल के बाद 2018 में एक मीटिंग हुई, डिटेक्टिव और तमाम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इस शहर के कुछ पुराने केस पर नज़र डाली जाए। और अमेरिका में अक्सर ये होता है कि जो भी ओल्ड केसेस होता है उन सब के बीच में एक रिव्यू मीटिंग होती है कि इसमें कोई अपडेट है, इसमें कोई जानकारी है, कहीं से कोई मदद मिली, तो उसमें अगर कुछ होता है तो फिर वो केस को आगे करते थे। तो 2018 में इसी तरीके से एक रिव्यू मीटिंग में रीटा का केस वहाँ के डिटेक्टिव के सामने आया वर्मोंट में। अब जब रीटा करण का केस सामने आया तो फिर पता चला कि इसमें अब तक कुछ हुआ नहीं है, जाँच में कोई प्रगति नहीं है, जितने सस्पेक्ट थे वो सब छूट चुके हैं और लगभग अब 49-50 साल हो गए थे जब इसके दोबारा इन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद डिटेक्टिव ने कहा कि इस केस से जुड़े हुए फाइल जब पढ़ी तो पता चला इस केस से जुड़े हुए बहुत सारे सबूत जो हैं वो आज भी एक स्टोरेज में रखा हुआ है और ऐसे केसेस के को
तमाम प्रॉपर्टी को संभाल कर रखा जाता था। तो तय हुआ कि ठीक है, इस केस को दोबारा रीओपन करते हैं और चलते हैं, जो जो इस पेपर में लिखा हुआ क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं उनको एक बार और देखते हैं, शायद कुछ मदद मिले। डिटेक्टिव की टीम पहुंचती है स्टोरेज में, सारी चीज़ों को देखती है, उसमें रीटा करी के कपड़े, बाकी सारी चीज़ों के साथ वो सिगरेट का बट भी है। अब 2018 है, साइंस तरक्की कर चुका है, डीएनए अब बहुत ज़्यादा हाईफाई हो चुका है, उस जमाने में इतना नहीं था। तो पुलिस की टीम कहती है कि इसको दोबारा, आप चुके डेटा बैंक में बहुत सारे डीएनए के सैंपल हैं, अमेरिका में ये आम बात है, अब बहुत सारे देशों में है। तो युवा की इन चीज़ों को निकालते हैं, सिगरेट का बट सबसे ईजी काम ये था क्योंकि उसके ज़रिए आप डीएनए को पकड़ सकते थे। तो फिर नई डीएनए टेक्निक के ज़रिए उस लार्क सिगरेट उसको भेजा गया कि इससे पता किया जाए कि ये किसी से मैच करता है कि नहीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें चल रही थी, थोड़ा थोड़ा वक्त लगा। उस सिगरेट का जब वो किया गया तो उसके डीएनए जो है मैच किया एक मेल से। अब जब मैच किया मेल से तो फिर हुआ कि ये मेल है और उसका एक डीएनए है, लेकिन फिर उसको न्यूयॉर्क सिटी में तो भेजा गया उसको। उसके बाद कहा गया कि चलो इस मेल के डेटा से निकाला जाए डीएनए के। तो जब डेटाबेस में उन्होंने सर्च किया तो जो अमेरिका के जितने डेटाबेस में लोगों के डीएनए थे उनमें से कहीं किसी मेल से वो मेल का डीएनए मैच नहीं किया, यानी कि डेटा बैंक में डीएनए के वो शख्स था ही नहीं अमेरिका में। तो अब ये बड़ी अजीब बात थी कि एक शख्स का मैच कर रहा है लेकिन जो सारे लोगों के डीएनए के सैंपल जहाँ पे हैं उस बैंक में उस शख्स का है ही नहीं। अब इसके बाद भी कोशिश जारी रही फॉरेंसिक टीम के ज़रिए। 2022 आ गया, 18 में ये खुला था, 2022 आने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें करती रही पुलिस चुपचाप खामोशी से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से। 2022 में ये हुआ कि अचानक कि अब इस खाली सिगरेट के बट से चलो इतना तो पता चला एक मेल है, आगे की जानकारी कैसे मिले क्योंकि डेटा बैंक में मिल नहीं रहा। तो जिस वक्त ये कत्ल हुआ था रीटा का, उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े भी स्टोरेज में रखे हुए थे एक एविडेंस के तौर पर। अब डिटेक्टिव की टीम वो कपड़े उठाती है और उसको भेजती है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डीएनए एक्सपर्ट्स के पास, और कहती है कि अब आप जो नई टेक्निक है उसके ज़रिए इन कपड़ों से अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा डीएनए मिल सके तो उससे मदद मिल सकती है। तब उस कपड़ों को फिर से टेस्ट किया गया और उस कपड़ों पर जो डीएनए के सैंपल थे उसमें रीटा के अलावा एक और मिला। अब उसकी जांच हुई, जेनोलॉजी एक्सपर्ट ने इसकी पूरी जांच की। जब जांच की तो फिर इस बार जांच करने के बाद जो डीएनए मिला वो डेटा बैंक में एक शख्स से मैच कर गया। उस शख्स का नाम था विलियम डीरूज। अब पुलिस ने जब मैच किया तो एड्रेस निकाला, दूसरी चीज़ अब मैच कर गई। 1971 में विलियम उसी जगह उसी शहर और उसी अपार्टमेंट के करीब रहा करता था। तो अब ये दो चीज़ें इत्तफाक नहीं हो सकती। अब पहली बार टीम को लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, करीब 54 साल अब हो चुके थे, केस सुलझ गया है। बट उन्होंने फिर उसके बारे में पूरा पता लगाना शुरू किया, 54 साल पुरानी चीज़ें थी, वो कहाँ है। धीरे धीरे पुलिस की टीम लगी, मुखबिर की टीम लगी, डिटेक्टिव लगे, तफ्तीश हुई तो पता चला जो कि आखिर ये विलियम डीरूज है कौन। तो पूरी जांच के बाद विलियम की कहानी सामने आई, पता चला कि जब रीटा उस अपार्टमेंट में रहा करती थी उससे थोड़ी ही दूरी पर विलियम रहा करता था। रीटा के कत्ल से 15 दिन पहले विलियम ने शादी की थी और शादी करने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ अपार्टमेंट के करीब एक रेंटेड हाउस में रह रहा था। 9 जुलाई जिस रात कत्ल हुआ रीटा का, अब उस रात की कहानी को जोड़ना था कि 9 जुलाई को ये कहाँ था, इसकी मौजूदगी कहाँ थी। जिस लेडी से विलियम ने शादी की थी पुलिस उस तक पहुंची, अभी तक विलियम हाथ नहीं आया। उस तक गई, उससे पूछा
कि ये विलियम डी रूज आपने शादी की थी 1971 में, और इन लोगों ने शादी की थी जून के महीने में, और 9 जुलाई को रीटा का मर्डर हुआ था, और जून के इन्होंने 3rd वीक में शादी की थी। तो उसने कहा हाँ मैंने शादी की थी, और जब उससे पूछा गया कि 9 जुलाई की रात आप दोनों कहाँ थे, तो उसने कहा कि 9 जुलाई की रात को ही मेरा झगड़ा हुआ था विलियम से, और उस झगड़े के बाद देर रात वो घर से गुस्से में बाहर निकल गया था। बाहर निकलने के बाद वो अर्ली मॉर्निंग वापस लौटता है, वापस आया और फिर सो गया, चूँकि हम दोनों में झगड़ा था तो बात हुई नहीं, वो भी गुस्से में निकल गया था। फिर उसने सुबह मुझसे कहा कि अगर अच्छा ये पहले थोड़ा सा क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा, कई बार उसको पुलिस ढूंढ चुकी थी कुछ मारपीट और इन सारी चीज़ों में, एक बार किसी को चाकू घोंप दिया था एक लेडी को। तो इसने कहा कि देखो एक पड़ोस में मर्डर हुआ है, तो अगर पुलिस आए पूछे तो तुम ये बता देना कि मैं रात को कहीं गया नहीं था, यहीं था, क्योंकि वो मुझे फंसा देंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी पुलिस के लिस्ट में रहा हूँ पुराने केसेस में। तो उसकी वाइफ को भी ये बातें मालूम थी कि हाँ ये रहा है पुराना क्रिमिनल, इसका रिकॉर्ड रहा है तो पुलिस इसको तंग कर सकती है, पर उसे यकीन था कि वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो उसने ये बात उसे बताई। उसके बाद क्या हुआ कि इस कत्ल के जुलाई के आखिर में दोनों अलग हो गए, विलियम अलग हो गया, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, और विलियम वहाँ से थाईलैंड चला गया। थाईलैंड जाने जब चला गया तो पता चला इधर विलियम की वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, तो पुलिस ने उसका थाईलैंड से कुंडली निकालना शुरू किया, तो पता चला कि हाँ वो थाईलैंड पहुँचा था। थाईलैंड जाने के बाद वो वहाँ मॉन्क बन गया और वहीं रहने लगा। बीच में एक बार 1974 में वो US दोबारा लौटा था, जब शुरुआत में गया मॉन्क बनने से पहले, और तब पता चला कि उसकी एक दूसरी बीवी भी थी जो US में ही रहती थी, तो उससे मिलने के लिए आया और वापस चला गया थाईलैंड, और फिर वहीं मॉन्क बनकर रहने लगा। पुलिस को अब लगा कि चलो विलियम तक पहुँचेंगे, विलियम के गिरेबान पर हाथ है, 54 साल पुराना केस सॉल्व करेंगे। लेकिन तब भी एक बड़ी और बुरी खबर और सामने आई, और पता चला कि 1986 में ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से विलियम डी रूज की मौत हो चुकी है, यानी कि रीटा के कत्ल के ठीक 15 साल के बाद, 15 साल के बाद उसकी मौत हो चुकी थी 86 में, और रीटा के कत्ल के 54 साल के बाद DNA की नई टेक्नोलॉजी की वजह से एक पहले सिगरेट के बट ने एक सबूत दिया कि एक मेल का DNA बताया, देन रीटा के पहने कपड़ों ने दूसरा सुराग दिया, और उस डेटाबेस की वजह से DNA मिला, और DNA विलियम से मिला। तो वहाँ तक पुलिस पहुँची, वाइफ तक पहुँची, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो कातिल था रीटा का, उसे कानून सज़ा देता शायद उससे पहले ऊपर वाले ने उसे सज़ा दे दी, लेकिन फिर भी चूँकि रीटा के घर वाले ये जानना चाहते थे कि आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा किसने किया, वो कौन कातिल है, कौन रेपिस्ट है, ताकि सुकून मिले उन्हें इस जवाब का। कई बार ये सवाल बड़े बेचैन करते हैं अगर किसी के साथ क्राइम हो कि किसने किया, क्या किया, तो अगर जवाब नहीं मिलता है तो आदमी ज़्यादा बेचैन और परेशान रहता है। लेकिन 54 साल बाद ही सही वेरोन पुलिस ने रीटा की सिस्टर को बुलाया, और परसों 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलियम की भी तस्वीर दिखाई गई, पूरी कहानी बताई गई। जो फॉरेंसिक की टीम थी, जो डॉक्टर थे जिनकी अगुवाई में ये केस सॉल्व हुआ, वो लोग भी वहाँ मौजूद थे, और फिर पूरी डिटेल में बताया गया कि 54-year-old मर्डर केस को किस तरीके से उन्होंने सुलझा लिया है, और इस तरह अब यह केस क्लोज हो गया। क्लोज होना भी था, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ वो तो इस दुनिया में है नहीं, जिसने कत्ल किया वो भी इस दुनिया में नहीं, तीसरा कोई अक्यूज था नहीं। तो इसीलिए इस केस को 54 साल के बाद सुलझाने के साथ ही फौरन क्लोज भी कर दिया गया। तो ये थी कहानी 54 साल बाद सिगरेट के बट से और फिर कपड़े से जो सुलझी। अब इस कहानी को ख़त्म करूँ उससे पहले, नेत्रे पुजार, इनका आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नेत्रा। और ये विकास पुरोहित की वाइफ हैं, साथ ही तनिष्का साथी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तनिष्का। और ये रोहित साही की सिस्टर है, साथ ही अमूल, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमूल। इसके अलावा निखत प्रवीण, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निखत। और ये शौकत ने भेजा है।
इसके अलावा गुंजन, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे गुंजन, मोहित ने भेजा है। साथ ही श्रेया व्यास, थैंक यू सो मच, आपने जो मेल लिखा और आपकी बिटिया की जो कहानी है, अफसोसनाक भी लेकिन खुशी भी हुई, हौसला भी है। इनकी जो कहानी थी, इनकी 10 साल या 8 साल की एक बेटी ने कैसे कोरोना काल में एक तकलीफ झेली और हॉस्पिटल में रही, हिम्मत दिखाया, उसी दौरान पढ़ाई भी की, हर तरह से मतलब हौसला भी रखा और पूरे परिवार ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, साथ दिया, तो थैंक यू सो मच श्रेया व्यास जी। और ऊपर वाला आपकी बिटिया को हमेशा अच्छा भी रखे। और आपने पूछा मधुमिता केस में अपडेट, तो कुछ नहीं है, अमरमणि और वो दोनों जेल में हैं, लेकिन जेल में कम रहते हैं, हॉस्पिटल में अब भी ज़्यादा हैं, तो इसी तरीके से बस चल रहा है, बाकी केस में कोई अपडेट नहीं है। साथ ही दीपांशु शर्मा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा सीमा बोहरा जी, ये थाईलैंड में हैं, और थैंक यू सो मच सीमा जी आपके मेल के लिए। आसिफ निज़ाम अंसारी, थैंक यू आपका भी। बबीता अकुपोली, इन्होंने कहा कि निकिता चूँकि पहली बीवी थी तो साहिल के खिलाफ निकिता के घर वालों, बल्कि निकी के घर वालों को चीटिंग का केस भी दर्ज करना चाहिए क्योंकि उसने झूठ बोलकर दूसरी शादी की। ऑलरेडी पुलिस के FIR में अब ये नया सेक्शन लगने जा रहा है। साथ ही कदम कुंडू, एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही संगीता बुदा ठोकी, इन्होंने भी थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। राहुल यादव, थैंक यू आपका भी। और मंटू महतो, थैंक यू आपका भी। तो कहानी खत्म करूं उससे पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि 24 और 25 फरवरी साहित्य आज तक लखनऊ में पहुंच रहा है, जहां तमाम साहित्यकार, कलमकार, गीतकार, ग्लोकार, फिल्मकार, मौसीकीकार, ये लोग होंगे, मुशायरा भी होगा। और अंबेडकर मेमोरियल पार्क गोमती नगर में 24 और 25 फरवरी को है। और सैटरडे मैं वहाँ रहूँगा शाम को, तो क्राइम तक फैमिली मेंबर जो भी होंगे उनसे पक्का वहीं मुलाकात होगी। तो साहित्य आज तक 24 और 25 फरवरी लखनऊ के अंबेडकर मेमोरियल पार्क गोमती नगर में, मौका मिले तो आइएगा ज़रूर। फिलहाल इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।